इधर इधर ओ इधर बदी सोता मेरा बाजा वाला माही सी। हुण असीं पहुँच गए नंगल शहर। यह गुरद्वारा भबोर साहब है, नंगल शहर के विच हैगा भबोर साहब गुरद्वारा। तो बाहर तुसीं देख सकते हो मार्केट हैगी है, इत्थों तुसीं समान वगैरह लै सकते हो। बहुत वधिया हैगा जगह ते गुरद्वारा। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। हुण असीं गुरद्वारे दे अंदर आ गए हैं। चलो तुहानूं दरिया दिखावां, खब्बे पासे हैगा जी है गुरद्वारा भबोर साहिब। ऐ देखो सतलुज दरिया, किन्नी वधिया जगह। इत्थों देख के बहुत वधिया व्यू लग रहा है। शायद कैमरे 'च भावें नहीं आउंदा होणा इन्ना वधिया व्यू, पर जो तुम अखी देखोगे बहुत वधिया लगेगा। ये भी थोड़ा जा इतिहासिक गुरद्वारा है जी। 1753 गुरु गोबिंद सिंह जी आई इतने चौपाई साहब का पाठ का उच्चारण किया जी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने राजा रतन दे कहे ते आए, उन्होंने बेनती के प्रवान से भबोर साहब गुरद्वारे से। हुण असीं भबोर साहब तो निकल आए सीगे, हुण चले हाँ गुरु का लाहौर गुरद्वारा, उधर जावांगे। यह देखो नंगल डैम, पानी का रंग देखो कितना सोहना हरा नीला। यह डैम खब्बे पासे, और सामने पुल बने ना नहर दे विच, बहुत पुराना पुल हैगा जी। देखने नूं बहुत सोहना लगता पिया पुल, जिदा दी शेप हैगी थल्लों दी, भावें किश्ती लंघ जाए भावें ट्रक लंघा दो, और सॉरी मतलब किश्ती लंघा दो। आ देखो ये पुल की गल कर रहा मैं, कितना सोहना बनया देखो। हाँ तुम भी देख सकते हो मोबाइल से इन्ना नहीं नज़र आ रहा व्यू। देखने बहुत सोहना लग रहा है व्यू। एक होर आ गया पुल, काफ़ी पुराना विले का बनया है। आ देखो पानी का रंग हरा नीला, साफ सुथरा पानी। चलो जी इतों आना आप सज्जे, जिस पुल की मैं गल कर रहा उस पुल के उत्तों की आप जावे हूँ। आ देखो कितना वधिया लग रहा, देखो पुल सामने वाला व्यू कितना सोहना लग रहा। चलो जी ट्रैक्टर वाले संगतां चलियां भबोर साहब चले आ, ये संगत सारी। हुण असीं चलिए गुरु का लाहौर। आ देखो जी नंगल का बस स्टैंड, ये बस अड्डा है नंगल डैम नंगल शहर का। तो आ मार्केट ही नाल भी शहर बाजार बने, खा पी सकते हो तुम सारे जने। तो इधर पंप भी है जो बस अड्डे लागे, कल जो किसी वीर का तेल मुकदा तो मेरी वीडियो देख के उन्होंने फिर सौखा हो जूगा कि पंप भी है लागे। तो आ पुल बनता पाया इधर भी नंगल शहर। तो मेरे अपने स्कूटरी दी टायर दी हवा घट गई सी,
ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਭਰ ਲਈ ਪੂਰੀ। रस्ते च मेरे मामे का घर पैंदा सीगा पबोर साहब तो पहला सासिकल मामा जी की हाल जी हो टड्या की हाल ही तेरा कित्थे लुकी ना आ जा आ तेरी वीडियो बनाइए हाँ टड्या की हाल ही आ चलिए पबोर साहब आ पहुँच गए अं मामे के घर हूँ जावे गुरु का लाहौर जी पहुंच गए चंगा मामा जी टाटा हूँ अं इतों की तुरते हैं मामे के घरों की सू अगे का राह नहीं पता ता करके सू अगे तक छड़न आए थे हूँ यह रोड जाती है गुरु का लाहौर हूँ अं जावे गुरुद्वारा गुरु का लाहौर फिर उस तो बाद देखते हैं अगे किधर जावे आ हूँ असी पहुँच गए हिमाचल हिमाचल से एंट्री कर गए असी तो यह राह जाता जो सीधा ही गुरु का लाहौर अगे भाखड़ा डैम में भी निकल जाता नैना देवी भी निकल जाता रोड भी बहुत वधिया बनी हुई है आज ये गुरुद्वारा गुरु का लाहौर आ पहुँच गए असी हूँ ये गुरुद्वारा पहाड़ों के बेच है जी
आ देखो इधर पहाड़ कितना सोहना व्यू लग रहा है देखने, बहुत वधिया जगह ते बनया है गुरुद्वारा गुरु का लाहौर। आ रहा सामने गुरुद्वारा, आ इतिहास लिखा गुरुद्वारे का ते आ पहाड़ियाँ, काफ़ी दूरों दूरों संगत आई हुई हैं। तो इस जगह तो गुरु गोबिंद सिंह जी का आनंद कार्ज होया ही, लाहौर का रहने वाला निवासी उसकी सपुत्री जीत कौर उहदे नाल आनंद कार्ज होया ही गुरु गोबिंद सिंह जी का 1734 होया ही। इस नगर का नाम गुरु जी ने आप गुरु का लाहौर रखा है, ता करके यदा नाम गुरु का लाहौर पाया गुरुद्वारे का जगह का। कितना सोहना व्यू हैगा हुण, पता नहीं मोबाइल च किदां दा आ रहा होना वा। आ देखो जी सामने पहाड़ी है, बहुत ज़्यादा सोहनी लग रही। हुण आपां दर्शन कर लिए गुरुद्वारे दे वी, हुण चलदे आं अगे। गर्मी बहुत ज़्यादा पैण दी ते असीं सोचिया चलो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लीए, बदाम शेक विद आइसक्रीम।